अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ सब भाई और दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक और बेहतरीन न्यू डिज़ाइन लेकर आया हूँ, जो रेशमी धागे से हम बनाएंगे। वो बहुत ही आसान होगा। इस धागे सेम धागे से हम इसके ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे, ब्लैक धागे के साथ इसके टाची देंगे। इसको हल्का सा ब्लैक धागे से इसके ऊपर स्टार बनाएंगे। इस तरीके से आपने बुकरम का पीस ले लें, जितनी आपने फ्रंट पट्टी तैयार करनी है उसको ले लें। इस तरीके से आपने उसका दरमियान कर लेना है जी। इस तरीके से दोस्तों आपने इसको दरमियान में कर लेना है। उसके बाद आपने इसको दरमियान करके इसको निशान लगा लीजिएगा जी। इस तरीके से आपने इसको दरमियान पर दरमियान में कर लीजिएगा पट्टी का। और इस तरीके से आपने दरमियान करके इस पर निशान लगा लीजिएगा जी। इस तरीके से आपने निशान लगा लेने हैं। ये हमारी फ्रंट पट्टी है। और उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आएगी, हमारा डिज़ाइन भी आपको पसंद आएगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा। इसलिए कि हमारी मज़ीद वीडियो जितनी भी होगी वो आप भाइयों तक पहुँचती रहेगी जी। इस तरीके से आपने जो निशान हमें दरमियान में लगाए हैं, इससे एक सूत्र छोड़कर आपने इस तरीके से लकीर लीजिएगा। उसके बाद आपने दूसरी साइड पर भी निशान के दरमियान छोड़कर आपने तकरीबन एक सूत्र आपने इस तरीके से साइडों से लकीर लेना है। दरमियान में निशान होना चाहिए आपके जी। ये हमारी फ्रंट पट्टी है दोस्तों जी। इस तरीके से आपने इसको लकीर लेना है। उसके बाद हम आपको बताते हैं कि आगे बैक के ऊपर किस तरीके से हम निशान लगाएंगे जी। आप इस तरीके देख लीजिएगा। अब हमने जो हमारे यहाँ पर हमारा ठोका आ जाएगा। और इस तरीके से हमने यहाँ पर तीन स्टार बना लेंगे। इस तरीके से आपने जमा का निशान बना लेना है। पहले आप इसकी निशान लगा लीजिएगा। पहले हम उसके बाद हम बैन का पीस लेते हैं। बैन के पीस के ऊपर भी इस तरीके से निशान लगाएंगे हम जी। अब इस तरीके से आपने बैन का पीस भी दरमियान में कर लेना है जी। आप इस तरीके से देख लीजिएगा। आपने इस तरीके से दरमियान में कर पर इसके ऊपर निशान लगा लीजिएगा जी। इस तरीके से आपने निशान दरमियान में करके निशान लगा लीजिएगा जी। अब हमने निशान लगा लिया। इस तरीके से अब हमने जी इस तरीके से दोस्तों अब हमने इस पर निशान लगा लिया। अब इसके ऊपर लकीर लेंगे। जिस तरीके से हमने पहले लकीरें थे फ्रंट पट्टी लकीर ली थी, इस तरीके से आपने इसको भी जी आपने एक सूत्र छोड़कर नीचे की तरफ आपने इस तरीके से जी आपने फिर दूसरी ऊपर की तरफ ही आपने जो निशान लगाए हैं वो आपने दरमियान में कर लेने हैं। उसके बाद आपने एक पैर की इस तरीके से निशान लगा लीजिएगा, लकीर ली इसको जी। इस तरीके दोस्तों आप निशान लगा लें। उसके बाद हम रेशमी धागा फिर के अंदर भर लेंगे जी। अब यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर भी तीन स्टार बना लेते हैं, जिस तरीके से आपने फ्रंट पट्टी के ऊपर बनाए थे। बैन के इस तरीके से हम आखिर पर जो बना लेते हैं, इस तरीके से तीन तीन हम डोर स्लिप बना लेते हैं। निशान हमने लगा लिए हैं। अब हमने अब इसको प्रेस कर लेते हैं दोस्तों। आपने इस पीसों को प्रेस कर लेना है जी। आपने इन दोनों पीसों को प्रेस कर लीजिएगा जी। अब ये हमारी फ्रंट पट्टी का पीस है, इसको भी आपने इस तरीके से प्रेस कर लेना है जी। अब इसको हमने प्रेस दोनों कर लिए हैं दोस्तों। अब हम रेशमी धागा ले लेते हैं और उसको फिर एक अंदर डबल भर लेंगे जी। जो हमने भर लिया, अब हम आपको सिलाई लगाने का तरीका बताते हैं
जी, इस चीज़ के दोस्तों अब हमने जो निशान लगाए हुए हैं इसके ऊपर ऊपर सिलाई लगा लेंगे जी। इस तरीके से हम अपने सिलाई लगा लेते हैं। उसके बाद आपने इसके साथ एक पैर की सिलाई लगा लीजिएगा जी। इस तरीके से अब हम इसके साथ एक पैर की सिलाई लगा लेते हैं। फिर हम दूसरी साइड पर निशान लगा लेते हैं, दोस्तों सिलाई लगा लेते हैं। इस तरीके से आप सिलाई लगा लीजिएगा। जी अब दोस्तों हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर लगा ली है सिलाई। इसके बाद हम बैंड के पीस के ऊपर भी इस तरीके से सिलाई लगा लेते हैं। जी अब बैंड के पीस के ऊपर भी हम इसी तरीके से जो हमने लकीर लगाई हुई इसके ऊपर हम निशान लगा लेंगे। लकीर लेते हैं इसको जी। इस तरीके से अब हम इसको लकीर लेते सिलाई लगा लेते हैं। जो लकीर ली हुई है हमने इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं रेशमी धागे से। जी दोस्तों हमने सिलाई मुकम्मल कर ली है। इस तरीके से आपने जी हमने सिलाई लगा ली है, बैंड के पीस के ऊपर भी सिलाई लगा ली है और हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर भी लगा ली है। इसी तरीके से अब हमने लैस धागा हम सुई का डाल लेते हैं डबल जी। इस तरीके से अब हम निशान लगा लेते हैं। जब स्टार बनाते हैं ब्लैक धागे से जी। इस तरीके से अब हम आप निशान लगा लीजिएगा। उसके बाद आप इस तरीके से स्टार बना लें जी। इस तरीके से अब हम आपने जी हमने एक स्टार लगा लिया। इस तरीके से आपने तीनों स्टार लगा लेने हैं जी। इस तरीके से आपने एक जैसे तीनों स्टार लगा लेने हैं जी। हमने दो स्टार लगा लिए दोस्तों, ये हमारी फ्रंट पट्टी है। इसके बाद हम फ्रंट इसके बाद हम बैन के पीस के ऊपर भी दोनों साइडों पर स्टार बना लेते हैं जी। आपने इस तरीके से सुई से आपने तीन तीन स्टार बना लेने हैं जी। से दोस्तों आप देख लीजिए, बेहतरीन तरीका है, बहुत ही खूबसूरत हमारा डिज़ाइन है जो बनाने का तरीका बेहतरीन है। या बैंक का पीस है, बैंक के पीस के ऊपर भी हम इस तरीके से स्टार बना लेते हैं दोस्तों जी। इस तरीके दोस्तों हमने जी पहला बना रहे हैं। इस तरीके से आपने इसको बना लेना है। इसके बाद हम दूसरा बना लेते हैं, इसको कंप्लीट करेंगे जी। इस तरीके दोस्तों जी देख लीजिएगा, इस तरीके से आपने स्टार बना लीजिएगा। तीन स्टार हमने बना लेने हैं जिस तरीके से हमने फ्रंट पट्टी के ऊपर बनाए थे जी। इस तरीके से दोस्तों जी देखिए, हमारा जी अब दूसरा मुकम्मल हो चुका है। इस तरीके से आपने इसको बना लेना है जी। अब इसके बाद हम तीसरा बना लेते हैं। तीसरा भी इस तरीके से आपने एक जैसा आपका होना चाहिए, निशान एक जैसे होने चाहिए जी। इस तरीके दोस्तों आपने एक जैसे निशान लगाने हैं जी। हमारे तीनों मुकम्मल हो चुके हैं दोस्तों। इस तरीके से आप इसको बना लीजिएगा, बेहतरीन तरीका है। जिस तरीके से आपने इधर भी बना लें, ये देखें दोस्तों हमारे स्टार मुकम्मल हो चुके हैं। दोनों साइड पर हमने बैन के लगा लिए हैं। इस तरीके से आप लगा लें और ये हमारी फ्रंट पट्टी भी मुकम्मल हो चुकी है। इस तरीके से आप इसको फोल्ड कर लीजिए, इस प्रेस कर लीजिए इस पीसों को दोस्तों। ये देखें हमने इसको प्रेस कर लिया है। ये हमारे अब ये हमारा बैन है, बेहतरीन तरीके से तैयार हो चुका है। इसके बाद मैं आपको फ्रंट पट्टी दिखा देता हूँ। ये देखें हमारी फ्रंट पट्टी भी तैयार हो चुकी है, हमारा स्टार वाला डिज़ाइन तैयार हो चुका है। इस तरीके से आप इसको बना लें, बहुत ही खूबसूरत
डिज़ाइन और बनाने का तरीका भी बेहतरीन है, आसान तरीका है। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को जो हमारा तरीका पसंद आएगा, सब दोस्तों को। अब हम आपको सूट भी दिखाता हूँ जो हमने सिलाई कर लिया है, जैसी डिज़ाइन का। जी, ये देखते दोस्तों, हमारा सूट सिलाई हो चुका है। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों को जो हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा। बेहतरीन तरीका दोस्तों, बहुत सिंपल सा खूबसूरत डिज़ाइन है। आप इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सब भाइयों दोस्तों को हमारा डिज़ाइन पसंद आया होगा। अगर दोस्तों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिएगा, इसलिए कि हमारी मजीदी वीडियो जितनी भी होगी वो आप भाइयों तक पहुँचती रहेगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज़। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।